नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन के बाद आपके साथ मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ। आज मैं एक आया हूँ रेडी फार्म हाउस पे, जो रेडी फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी में है, और उसी गेटेड कम्युनिटी में ये प्यारा सा मेरे पीछे जो देख रहा है आप, वो फार्म हाउस बना हुआ है, और उस फार्म हाउस के पास में एक प्लॉट सेल के लिए अवेलेबल है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी पैसों की अगर देखा जाए तो गेटेड कम्युनिटी में है, प्लॉटिंग में है। प्लॉटिंग में किया की हुई इन्वेस्ट में फ्रॉड कम होता है, फंसने का चांसेस कम होता है, क्योंकि लैंड टाइटल क्लियर रहती है, उसी की वैल्यू ज़्यादा रहती है। दूसरी बात कि एमिनिटीज़ रहती हैं, लाइट का इशू नहीं रहता, पानी का इशू नहीं रहता, पोजीशन की प्रॉब्लम नहीं रहती। अब मैं बात करता हूँ कि काफ़ी लोग पिछले एक महीना से मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि अजीत भाई, हमने खोपोली पाली रोड पे ये प्रपोजल देखा है, ये प्रोजेक्ट देखा है, वो लेना सही है कि नहीं, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी उनसे भी और आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक विनती रहेगी कि किसी भी प्रोजेक्ट की इंक्वायरी या फिर सजेशन मेरे से मत करिए, क्योंकि आप लोगों का कहने का मतलब रहता है फ़ोन करके कि उसमें क्या कमी है मुझे बताइए, वो उसमें क्या लिटिगेशन है, मैंने ये प्रपोजल फाइनल किया, ये गेटेड कम्युनिटी में मैं लेना चाहता हूँ, उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरे से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट की कमियाँ आपको बताऊँगा, या फिर उसमें जो है वो लिटिगेशन, उसमें जो भी वीक पॉइंट है मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि क्या रहता है, किसी की प्रॉपर्टी की बुराई मैं खुद नहीं कर सकता, ना मैं किसी एजेंट के थ्रू। आपने देखा हुआ प्रपोजल, आप मुझसे क्रॉस वेरीफाई मत करिए प्लीज़, क्योंकि उसकी मेहनत है और आपकी, आपको जागरूक रहना चाहिए। हर वीडियो में कहता हूँ आप सतर्क रहिए, आप सोच समझ के प्रपोजल देखिए। मुझसे पूछने से अच्छा है मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको प्रॉपर वकील दे सकता हूँ जो आपको लीगल पेपर में हेल्प करेगा, पूरी उसकी जिम्मेदारी रहेगी। सर्च टाइटल रिपोर्ट निकल लिए, आप पेपर नोटिस दीजिए, मैं आपको प्राइवेट सर्वेयर वाला दे सकता हूँ, यह सब चीज़ें कर सकते हो ताकि आपको पता हो। और आपका फ़र्ज़ है, आपका हक है कि जिस भी आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, आप लेना चाहते हैं, तो मुझे फ़ोन करने से, उसकी कमी निकलवाने से अच्छा है कि आप उस प्रोजेक्ट वाले को पूछिए बार बार कि किसने प्लॉट लिए हैं यहाँ पे, कितने प्लॉट गए हैं। वो बोल रहे हैं 10 प्लॉट गए, जो भी है 5 प्लॉट गए, तो उनका रजिस्ट्रेशन दिखाइए, जिसने लिया है उसका 7-12 पे नाम आया है क्या, वो तो दिखाइए। अगर 10 प्लॉट बिके हैं तो 10 लोगों के नाम 7-12 पे कहाँ पे ज्वाइंट है, उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। अगर कोई बोल रहा है कि सिर्फ टोकन हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो टोकन अमाउंट का रिसीट दिखाइए। आपके जो भी प्लॉट गए हैं उनमें से आप 4-5 लोगों के मुझे क्लाइंट के कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। आपका हक बनता है, ये आपका फ़र्ज़ है ना, उसमें आपको वहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट करिए, वहाँ पर आप जागरूकता दिखाइए कि भाई ठीक है, आप बोल रहे ये सब है, तो मुझे जिन लोगों ने लिया है उन्होंने कितने लोगों ने घर बनाया है, आप देखिए कितने लोगों का कंस्ट्रक्शन चालू है, रेडी विला कितने हैं, और जो रेडी विला है उनके ओनर से मिलिए, और फिर आप 30-35 लाख की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, 1000-2000 कपड़े हैं भाई ले लिए, ख़राब निकल गए कोई बात नहीं। आप अगर 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं उनसे सवाल करिए, सवालों की सवाल करिए, आप बार बार सवाल करिए उनसे, जो भी आपको सफिशियंट आंसर मिलता है तो उसके बाद उस पर वर्कआउट करिए। इंसान के नाते मैं आपको लीगल वर्क में, मेरा एडवोकेट है उनका नंबर दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे निकालिए। लेकिन किसी की मैं प्रॉपर्टी कमी है आपको नहीं बता सकता, तो इसलिए दूसरे प्रोजेक्ट या दूसरे ब्रोकर के प्रपोजल के बारे में मुझसे जानकारी प्लीज़ नहीं पूछिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक गेटेड कम्युनिटी जिसमें मेरे पीछे दिख रहे ऐसे 8 से 10 घर बने हुए हैं, वेल डेवलप प्रोजेक्ट है, अच्छी जगह है, पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर से 7 से 8 किलोमीटर पर ग्रीन गोल्ड वैली करके एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये रेडी फार्म हाउस है, और ये रेडी फार्म हाउस के बिल्कुल सामने, मतलब ये आप देख, आपको ये रेडी फार्म हाउस दिखाने का मतलब कि आप भी अगर चाहें तो इस तरीके से आपका फार्म हाउस डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पे प्लॉट लेके। ये देखिए बहुत ही प्यारा इन्होंने घर बनाया है, इसको आप कमर्शियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लांटेशन भी बहुत प्यारे हैं। लाल चीरे का ये फार्म हाउस है, कंस्ट्रक्शन है, प्लांटेशन प्यारा है, डेवलपमेंट अच्छी है,
चारों तरफ से फेंसिंग किया हुआ है, पानी भी यहाँ पे है, लाइट भी यहाँ पे है। और अब ये प्लॉट जो है इसके बिल्कुल सामने ये जो झाड़ी दिख रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, ये सामने जो टेकड़ी है जिसमें ये पानी की टंकी है, उसके बाजू वाला प्लॉट सेल के लिए अवेलेबल है। ये देखिए ये वाला प्लॉट सेल के लिए अवेलेबल है, ये वाला। अभी ये प्लॉट है उसको एक्सेस रोड कैसा है और प्रॉपर प्लॉट कैसा है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी हम थे उस वाले पीछे फार्म हाउस पे जो आपने अभी देखा, ये फार्म हाउस था जहाँ पे अभी हम खड़े थे। और इस फार्म हाउस के सामने ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट की बाउंड्री है। ये नीचे भी एक स्टेप है, ये देखिए ये सेकेंड स्टेप है इसकी, नीचे ख़त्म होता है ये कॉमन वेल, मतलब जो ओनर के अथोराइजेशन में डेवलपमेंट हो रही है, बावड़ी है, इससे सभी प्लॉट को पानी सर्कुलेट होता है। और ये है वो प्लॉट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जो सेल के लिए अवेलेबल है। इसमें काजू के एक 7 से 8 पेड़ हैं और फ्लैट लैंड है काफ़ी हद तक। देखिए इसके बाजू में लग के एक फार्म हाउस है जो किसी ने अच्छा डेवलप किया है, प्लांटेशन की हुई है, पानी की अरेंजमेंट है इनकी। और ये है प्लॉट जिस पे हम घूम रहे हैं। इस प्लॉट में दोस्तों बीच में थोड़ा रॉक है, आप देख सकते हैं ये बीच में रॉक है, इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे घर बनाने के लिए कर सकते हैं। पीछे भी एक काजू का पेड़ है और ये इस बाउंड्री को बिल्कुल लग के ही ये पूरा 21 घंटे का प्लॉट है जो सेल के लिए अवेलेबल है। प्लॉट में 80% मिट्टी है और वो उस जगह पे 20% रॉक आया हुआ है। बात करते हैं इसकी एक्सेस रोड की। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये ग्राम पंचायत का एक्सेस रोड इसी प्लॉट को है और ये सबसे कॉर्नर वाला लास्ट प्लॉट है इस प्लॉटिंग का। सामने फार्म हाउस है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीमेंट के पोल, इससे बिल्कुल ही कनेक्टेड ये पूरा फ्रंटेज है जहाँ तक ये पेड़ है, यहाँ तक ये फ्रंटेज है। और इस प्लॉट को जो कॉमन कनेक्शन आया हुआ है पानी का, ये देखिए वही कनेक्शन आपने को भी इस प्लॉट वाले को भी मिलेगा। ये देख सकते हैं कॉमन कनेक्शन है जो बावड़ी से पानी आया हुआ है। बात करें यहाँ पे बहुत ही हाइट है और रोड पर नीचे पड़ा है, तो हम यहाँ से रोड करेंगे तो बहुत ही खर्चा आएगा, बहुत ही आपको एक्सपेंसिव जाएगा। तो बेहतर है आप इस तरीके से रोड करिए इस साइड में, क्योंकि इस प्लॉट को दो तरफ से रोड है, एक ये रोड और एक इस तरफ से रोड जो कि कंटिन्यू आगे दूसरे प्लॉट को जाता है, कनेक्ट होता है। ये प्लॉट देखेंगे ये देखिए ये रोड है, ये नीचे 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 नहीं कंटिन्यू आगे वाले प्लॉट को जाता है। और ये ऊपर वाले हिस्से जो है इसके ऊपर वाला ये पूरा प्लॉट है। प्लॉट में इलेक्ट्रिसिटी का पोल भी है जो बिल्कुल बीचों बीच आया है, लाइट तो है लेकिन इतने बीच में नहीं चाहिए, जगह अनयूज़ हो गई, तो ये प्लॉट ये पोल शिफ्ट करके यहाँ पे आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोल है, वहाँ पे ये पोल शिफ्ट करके देंगे, डेवलपर्स की जिम्मेदारी है। ये पूरा है हमारा प्लॉट 21 घंटा। प्लॉट के बाजू में एक छोटा सा सीजनेबल नाला है, उसका व्यू हमें बारिश में मिल सकता है। ये देखिए ये है पूरा प्लॉट, स्कूटी मेरी खड़ी है, काजू के 12-15 साल पुराने पेड़ हैं। सबसे ज़रूरी बात करें इसके रेट के बारे में, तो इसका रेट है 1,25,000 रुपये पर गुंठा निगोशिएबल, जिसमें ये आपको ये ओनर तार कंपाउंड करके देंगे चारों तरफ से,
गेट मार के देंगे, साथ में प्लांटेशन करके देंगे और पानी कनेक्शन देंगे, मतलब रोड लाइट पानी कंपाउंड गेट, ये एमिनिटी इसमें मिलेगी। साथ में रेट निगोशियबल है। डिस्टेंस है पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर, खांडसई करके एक विलेज है, वहाँ पे ग्रीन गोल्ड वैली नाम का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आप गूगल पे भी देख सकते हो, ग्रीन गोल्ड वैली खांडसई। तो ऐसे ही नए नए प्रपोजल देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय।